हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आज है 22 जून 2021 और 22 जून से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। थावरचंद गहलोत ने 5 दिव्यांग खेल केंद्रों को देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया, गहलोत जी के पास कौन सा मंत्रालय है? थावरचंद गहलोत जी के पास इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री। इसको साथ ही देख लेते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, अर्थ एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर और क्लाइमेट चेंज ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो हैं अर्थ एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एस जयशंकर है विदेशी मामलों के मंत्री। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग ये किसके अंदर आता है? फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री आता है नरेंद्र सिंह तोमर के अंतर्गत आता है फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने ईरान के नए राष्ट्रपति को बधाई दी है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसमें जल्द में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। साथ में देख लेते हैं एंडी जैसी को कहाँ पे नियुक्त किया गया है, ये बने हैं अमेजॉन के सीईओ बने ये एंडी जैसी, जो कि अभी जेफ बेजोस की जगह लेंगे। और जेफ बेजोस का कार्यकाल कब से खत्म हो रहा है? वो खत्म हो रहा है 5 जुलाई से। इजैक हर्जोग क्या है, ये अभी नए राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के, इसराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इजैक हर्जोग। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है न्यू शकेल। नेफ्ताली बेनेट अभी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं इसराइल के ही, प्राइम मिनिस्टर इसराइल के बनाए गए हैं नेफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए मैप में, इसराइल का अगर लोकेशन आप देखना चाहते हैं आप देख रहे हैं एक छोटा सा कंट्री है जिसमें कुछ पैलेस्टीन्स का भी हिस्सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसराइल है। इसके अलावा अमेजॉन के सीईओ जो बने हैं, अमेजॉन कंपनी जो है अमेजॉन वर्षावन के नाम पे पड़ा है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, और अमेजॉन वर्षावन को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। 22 जून को G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक इटली की अध्यक्षता में होने जा रही है, इस मीटिंग में इंडिया का प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा? 22 जून को यानी कि आज G20 के शिक्षा मंत्रियों की इटली में बैठक होगी जिसमें इटली होस्ट होगा, तो इसमें इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संजय धोत्रे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। संजय धोत्रे इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ ही रमेश पोखरियाल निशंक कौन है, ये है एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, शिक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है इस समय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा संबोधित किया है, इस योगा दिवस की थीम क्या थी? इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 में योगा दिवस की थीम थी योगा फॉर वेलनेस, ये बी ऑप्शन सही है, योगा फॉर वेलनेस थीम थी इस बार की 2021 की, जो कि 7वां एडिशन था वर्ल्ड योगा डे की।
अभी हाल ही में वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस किया गया था जो कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस किया गया था और इसकी थीम जो थी बी विद योगा बी एट होम। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है कि वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा होस्ट किया गया है, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, जबकि वर्ल्ड योगा डे किसके द्वारा एड्रेस किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा। और दोनों में ये भी डिफरेंस है कि दोनों के थीम अलग अलग हैं। योगा फॉर वेलनेस जो है, योगा फॉर वेलनेस वर्ल्ड योगा डे की थीम थी और वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस की थीम थी बी विद योगा बी एट होम। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर जान है तो जहान है अभियान लॉन्च किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अल्पसंख्यक मामले यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी। रविशंकर प्रसाद कौन है? रविशंकर प्रसाद इंडिया के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। लॉ एंड जस्टिस न्याय और कानून मंत्रालय के मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा कौन है? ये जनजाति मामलों के मंत्रालय हैं यानी कि ट्राइबल अफेयर्स के मंत्रालय हैं मंत्री हैं। ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री हैं, जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। प्रहलाद जोशी कौन है? प्रहलाद जोशी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल माइनिंग। अगला क्वेश्चन, लाल रामस्वामी ने इतिहास रच दिया है जब वह ओलंपिक के लिए चुने जाने वाली मिजोरम की पहली महिला खिलाड़ी बनी। लाल रामस्वामी किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बनने के चांस हैं। पहली बात तो ये है कि मिजोरम से ओलंपिक में चुने जाने वाली सबसे पहली महिला खिलाड़ी बनी है, वो है लाल रामस्वामी, नाम याद रखेंगे। दूसरी बात, लाल रामस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो लाल रामस्वामी है हॉकी से, हॉकी खेल से संबंधित है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। और हॉकी इंडिया की कैप्टन कौन है? वो है रानी रामपाल इस समय हॉकी इंडिया की कैप्टन है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू काफी फेमस नाम है, मीराबाई चानू जिनको विराट कोहली के साथ अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। वैसे ही नाविक कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है नेत्रा कुमरन पहली नाविक बनी है जो कि ओलंपिक 2020 में सेलेक्ट हुई है। रेस के मामले में हिमा दास का नाम सबसे नंबर वन पे आता है, हिमा दास जिनको ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। जैसे पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस कहते हैं वैसे ही हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं। और इन्हें हाल ही में असम ने डीएसपी बनाया है, अपने स्टेट में डीएसपी बनाया है असम ने, इनको सम्मानित करते हुए डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, गिनी में एक इबोला वायरस का प्रकोप जिसने लोगों को फिर से संक्रमित करना शुरू कर दिया है। इबोला वायरस किस से उत्पन्न है, किस देश से उत्पन्न है? एक्चुअली इबोला वायरस जो है वो कांगो घाटी से उत्पन्न हुआ था, सबसे शुरुआत में कांगो घाटी से संक्रमण करना स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, उसने फिर से अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही और भी कुछ देश हैं वहाँ से भी बहुत सारे रोग उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि इजिप्ट से कैंसर उत्पन्न हुआ है और मलेशिया से उत्पन्न हुआ है पोलियो, हांगकांग से भी बर्ड फ्लू हांगकांग से उत्पन्न हुआ है। बर्ड फ्लू हांगकांग से, कांगो से है इबोला वायरस, इजिप्ट से है कैंसर, मलेशिया से है पोलियो वायरस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए दुशांबे में एससीओ की बैठक में भाग लेंगे। वर्तमान एनएसए कौन है? एनएसए का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसए का फुल फॉर्म है
और हमारे भारत के वर्तमान में NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो हैं अजीत डोवाल। इंग्लिश में अजीत डोवाल है लेकिन हिंदी में अजीत डोभाल होगा। हिंदी में डोभाल है, इंग्लिश में डोवाल होता है। ए जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं इंडिया के। और अजय सेठ कौन है? अजय सेठ हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, सॉरी इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर्स। और टीवी सोमनाथन कौन है? टीवी सोमनाथन है फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने महान एथलीट श्री मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है, उन्होंने निम्नलिखित में से किस रेसिंग खेल में स्वर्ण पदक जीता है? PM कंडोज द पासिंग अवे ऑफ लेजेंडरी एथलीट श्री मिल्खा सिंह, ही वन गोल्ड मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिंग गेम्स। कौन कौन से ऐसे रेसिंग गेम्स हैं जिनमें मिल्खा सिंह जी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स कार्डिफ 1958, इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था। एशियन गेम्स टोक्यो 1958 200 मीटर में, इसमें भी गोल्ड मिला था। एशियन गेम्स टोक्यो 1958 400 मीटर के रेंज में, इसमें भी गोल्ड मिला था। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 1958 200 और 400 मीटर दोनों में, इसमें भी गोल्ड मिला था। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सब में उन्होंने गोल्ड पाए थे, इसलिए 1958 में सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे सत्या नडेला, उनको अब अध्यक्ष बना दिया गया है। ये 2014 से सीईओ पद पे काम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में और ये इंडियन है। इसके अलावा सुंदर पिचाई का नाम सबको पता है, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, साथ में हाल ही में गूगल के पेरेंट कंपनी नाम है अल्फाबेट इंक कंपनी के भी सीईओ बनाए गए हैं सुंदर रमन पिचाई। बिल गेट कौन है? बिल गेट को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर। इनके साथ में और कौन थे जो फाउंड किए थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? वो थे पॉल एलन, ये भी थे इनके साथ में जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को फाउंड किया था। कब? 1975 में। इनकी एक डेथ हो गई है, इनकी डेथ हो गई है 2020 में, 2020 में इनकी डेथ हो गई है। शांतनु नारायण कौन है? यहाँ पे एन होगा नारायण, शांतनु नारायण है एडोब के सीईओ। अगला फैक्ट है वनलाइनर, भारत ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार है। भारत ब्रिक्स 2021 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है, यानी कि ब्रिक्स 2021 में जो आयोजन होने वाला है सम्मेलन का, वो उसका होस्ट होगा वो भारत होगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता ही होगा शायद आप लोगों को, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्टार्टिंग कब हुई थी, ब्रिक्स बना कब था, फॉर्मेशन कब हुआ था ब्रिक्स का? ब्रिक्स बना था 2006 में, लेकिन पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, वो हुआ था 2009 में। कहाँ पे? ये काटरीनबर्ग में हुआ था, जो कि रशिया में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ था 2006 में ब्रिक का, और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 2009 में ये काटरीनबर्ग में रशिया में हुआ था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में और 2006 में उस वक्त ब्रिक्स नहीं था, जबकि क्या था, ब्रिक था, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, वहां पे साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में जोड़ा गया है, साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड किया गया है। ये बात थी ब्रिक्स रिलेटेड। ब्रिक्स की हम मैप में देख लें कौन कौन से कंट्री मैप में है,
यहाँ पे है ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और करेंसी है रियल। यहाँ पे है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की एक्चुअली तीन राजधानियां हैं, प्रिटोरिया है, ब्लोम फाउंटेन है और केप टाउन। प्रिटोरिया, ब्लोम फाउंटेन और केप टाउन, वहां की करेंसी चलती रैंड। यह है अपना इंडिया, ये सबको पता है। राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, और करेंसी रुपया चलता है। ये है रशिया, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, मॉस्को और करेंसी रबल। और ये है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और करेंसी है रेनमिनबी। ये चाइना की। आज इतना ही है, आप लोग रिवाइज कीजिए, पिछले वीडियोस रिवाइज कीजिए, और इनसे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बता रहे हैं, देखने में तो लगता है कि हमने इतने ही क्वेश्चन कराए, 11 क्वेश्चन कराए, 12 क्वेश्चन कराए, लेकिन मैं हर क्वेश्चंस को फैक्ट्स के साथ डिस्कस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं लगभग 30-40 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम में जरूर क्वालिफाई होंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।